राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि सुदर्शनधारी श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को कर्म एवं धर्म का संदेश दिया है। उनका संदेश पूरी मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर है। सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर डीग के पुंछरी का लौटा स्थित मुखारविंद मंदिर में सप्तनिक अभिषेक व श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना आरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। शर्मा ने जानकारी दी कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। मथुरा से संदीपनी आश्रम तक जाने वाले मार्ग को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सरकार संयुक्त रूप से विकसित करे। इस श्री कृष्ण गमन पथ पर श्री कृष्ण के जीवन काल से जुड़े तथा पौराणिक आस्था के स्थानों को चिन्हित कर उसका विकास किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुंछरी का लोटा पहुंचने पर हेलीपैड पर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर डी श्रुति भारद्वाज, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने उनकी आगवानी की। इस अवसर पर गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह वगैरह, विधायक बहादुर सिंह कोली, कामा विधायक नौचम चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।